फ्रेंड नमस्ते, अपने यूट्यूब चैनल हीरा नुपारेली हमारे टेरेस गार्डन में मित्रों आपका स्वागत है। आज के टॉपिक बात है पारिजात, उसमें सुगंध के बादशाह उसको कहते हैं लोग। पारिजात हिंदी में हर श्रृंगार से नाम से भी जाना जाता है और उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पारिजात जो पौधा है वो घर पे लगाना शुभ माना जाता है। और उसके मिट्टी की बात करें तो उसके तो थोड़ी वाली भेज वाली जो थोड़ी मिट्टी है उसको ज़्यादा मापक है। और उसका जो सुगंध है वो ऐसा सुगंध फूल में है कि ये सुगंध से कोई भी टुक में आपके बात करें तो स्प्रे या अंतर ये सुगंध के आगे न पीछे में इतना सारा उसमें सुगंध आते हैं। और ये फूल आने के बाद उसमें जो सीड पकते हैं वो सीड भी आपको सीड काम आ सकते हैं, आपको काफ़ी सारा उसमें रोप तैयार कर सकते हैं। ऐसी बात है कि पारिजात का जो पौधा है वो वसंत या गर्मियों की शुरुआत में एक स्वच्छ पौधे से भी लई हुई कटिंग आसानी से आप उगा सकते हैं। उसमें सफ़ेद फूल की कलियाँ के साथ केसर रंग की नाजुक डालियाँ होती हैं और ये फूल रात में ही खिलते हैं, सुबह होने से तक ज़मीन पर खिल जाते हैं। और बड़ा जो पौधा है तो उसमें सफ़ेद चटाई जैसा आपको लगता है कि इतना सारा उसमें फूल आता है और इतना सारा इसमें छे ये ज़मीन पर चटाई जैसे उसमें ज़मीन पर लग जाते हैं। इसी वजह से रात में ही खिलते हैं तो उसे काफ़ी लोग रात रानी के नाम से भी उसे जाना जाता है। पारिजात का पौधा बहुत खर्चा वाला पौधा नहीं, आपको अगल बगल की नर्सरी से भी मिल सकता है, कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये है कि कटिंग से आपको काफ़ी सारा 6 से 8 इंच लंबी कटिंग लेनी पड़ती हो और स्वच्छ कटिंग लेनी पड़ती है। तो उसका जो ये वाला जो सीड है, कच्चा सीड है, उसमें महीने 1.5 महीने में उसमें पक जाता है तो ब्लैक रंग जैसा हो जाता है। वो आप कटिंग से वजह ये आप सीड ग्रो कर सकते हो, आपका पौधा भी स्वच्छ रहेगा। और ये तरह के आपको जो पौधा आपने उगाया है वो दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पारिजात के फूल भगवान विष्णु और भगवान शिव को अति पवित्र है, उसकी पूजा पाठ में भी शामिल किया जाता है। श्रावण महीने और सर्दी वाले मौसम में फूल आते हैं, अगस्त से लेकर फेब्रुआरी के महीने तक वो इस पौधे में फूल खिलते रहते हैं। थोड़ा सा मौसम के अनुसार सितंबर के अंत से दिसंबर को अंत तक खिलता है। लेकिन क्या बात करें सुगंध का जो बादशाह है, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।